बताया, जो आपने खुद ही क्वेश्चन पूछा, मैंने आपसे, मुझे मौका नहीं मिला आपसे पूछने का। आपने कहा कि हम जैसे लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि ये भी बहुत रेडिकल होते जा रहे हैं हिंदूज, या बहुत पॉलिटिसाइज होते जा रहे हैं, तो उसके क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा जिसका मुझे मौका नहीं मिला जवाब देने का। आपने कहा कि फिर ये कब होंगे, क्योंकि वी नो कि इस्लाम एक एग्रेसिव आइडियोलॉजी है जिसने आधी दुनिया पे कब्जा किया, फिर उनको अब यू नो इस्लाम में ये भी कीड़ा है कि मुसलमान करना लोगों को, लड़कियों को उठा के वगैरह वगैरह, वी नो दैट। सो ऑल दैट इज बैड। अब उसका एक सर्व एक एक रिएक्शन आता है कि वो कहते हैं अब तुम, हम भी हथियार उठाएंगे, विच ओके, अब मुझे रिएक्शन तक तो उसकी समझ आती है, लेकिन मुझे ये लॉजिक मैं इसको नहीं मान सकता कि अगर कोई दूसरा कुत्ता अगर आपको काट रहा है, लेकिन कुत्ता आपको काट रहा है तो आप भी कुत्ते बन के उनको काटें। लेकिन नहीं, नहीं, हाँ, ये नहीं करना चाहिए, ये एक्चुअली उस वक्त करना चाहिए। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, लेकिन देखो बर्दाश्त भी करने का एक 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 हद होती है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि मैंने जैसे मैंने दासी कालिदासी जी के शो में भी बोला था कि व्हेन आई वाज यंग I was staying in a colony where I knew many Muslims जो रहते इंडिया में है, खाते यहाँ है, सब कुछ यहाँ है, और जब पाकिस्तान क्रिकेट जीतता था तो पटाखे यहाँ बजाते हैं, you know? See what I feel, if you cannot be truthful to you, to the place you stay, to the place where you are living, you can, आज मैं खुद जानती हूँ कि that I know so many Muslim people, so many कि जिनके दिल में इतना ज़्यादा ज़हर है, believe it or not, Haris, इतना ज़्यादा ज़हर है कि वो बस निकलता नहीं है क्योंकि उनको मौका नहीं मिलता है, एक मौका दो और then you see what will happen. Yeah, I get that point. और आपने जो कहा कि कितना बर्दाश्त करें, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल भी बर्दाश्त ना करें। और मैं बात बोलना चाहती हूँ कि क्या कोई अपनी बेटी, अपनी मुस्लिम बेटी को किसी हिंदू के साथ में शादी करने देंगे? नहीं करने देंगे, काट देंगे, मार देंगे, ओके? एंड जो टेल मी वन मोर थिंग, क्या कोई हिंदू लड़की ने, सॉरी, कोई मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के के साथ में, लाइक यू नो, शी कैन नॉट हैव अ रिलेशनशिप, शी कैन नॉट, शी विल बी ऑलवेज scared, and so why? अभी मैंने you can bloody go and you, sorry for my language, but if you can go and pick up a girl from a Hindu this and then उसको प्यार के इसमें करो, and then when it comes to that point that a girl is so much in love with you, you give this that okay you have to turn to Islam, why? हाँ, अभी मैंने एक हफ्ता पहले, नहीं सॉरी, फरवरी में ये स्टोरी शेयर की थी। आई एम वेरी लकी कि वो मुझे फौरन ढूंढे बगैर मिल ही गई। लेट मी शेयर दैट विद यू। तो ये तो हमें पता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये लड़की, मुसलमान लड़की के भाइयों ने उसके 21 ईयर ओल्ड एक्यूज मोहम्मद महबूब, उस लड़की का भाई था जिसने शहनाज परवीन के बॉयफ्रेंड मनोज कुमार को छुरियां मार के मर्डर कर दिया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो ऑब्वियसली वो हिंदू था और वो इस बात से कुछ नहीं। सो वी गेट दैट पॉइंट। प्रॉब्लम ये है ना, आप ये टिल वैन का मतलब ये नहीं ना कि अब ये आम लोग हिंदू उठा के डंडे उठा के उनके ऊपर चढ़ाई करते हैं। यू हैव टू फोर्स योर गवर्नमेंट टू मेक बेटर लॉज। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट वी नीड टू स्पीक अप एंड नीड टू हैव अ प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन से आई गेट दैट, नो मोर ऑफ ऑल दिस, आई गेट दैट। लेकिन इसीलिए फिर, लेकिन ये बात जो है ना साइमल्टेनियसली हर तरफ जा रही होती है। फॉर एग्जांपल अभी ये नरसिंह आनंद ने जो के मंदिर में जो एक 14 साल के बच्चे की पिटाई की थी, तो भक्त उसको डिफेंड कर रहे थे। वो कह रहे थे हाँ बड़ा अच्छा किया, इसने आके मूत कर देना था, इसने आके तोड़ना था, चोरी करने आया था, वगैरह वगैरह। लेकिन हम जैसे लोग जब एक लाइन ड्रॉ करते हैं वायलेंस पे कि नहीं उसको फिर भी मारना नहीं चाहिए, तो उसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर देते। अगर पुलिस छोड़ देती तो यू नो बैड लक, फिर आप अपनी पुलिस को बेहतर करें, लेकिन आप वायलेंस को यूज नहीं कर सकते। दैट्स हमारा आर्गुमेंट ये है, लेकिन भक्त इस पे एग्री नहीं करते। लेकिन आगे चलते हैं। मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहती हूँ, जस्ट दैट डोंट बी प्रिपेयर्ड, डोंट यूज वायलेंस बट बी प्रिपेयर्ड, दैट इज व्हाट ऑल, दैट्स ऑल आई कैन से। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड इन अ वे लाइक यू नो दैट वी डोंट नीड टू ऑल द टाइम थिंक के नहीं भाई ये लोग तो ऐसे कर देंगे, ये तो नहीं। अब ऐसा नहीं है कि उठो और तलवार लो और बाहर निकलो, नहीं, बट बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग।
या बट बी प्रिपेयर्ड, चलें ओके ओके दैट्स योर पॉइंट. अनफॉर्चुनेटली मैं ये हमेशा कहता हूँ कि वी कैन नॉट सपोर्ट. तो ये भक्तों वाली जो बात हो रही है, आपको याद होगा जी जब कोरोना आया था पिछले साल, तो तबलीगी जमात के ऊपर सारे तबलीगी चढ़ के, गए थे, हाँ ये तो, जो कि सही है, जो कि हम, सही मैंने है, भी उनके खिलाफ बोला था, मैंने भी कहा ये यस कितने पागल हैं ये मौलवी, एंड इनको नाउ व्हाट इज पकड़ो इनको हैपनिंग, जेल. या और अब देखें ये नाउ व्हाट कुंभ इज के मेले हैपनिंग. में. ऑफ कोर्स सी, यू कैन नॉट, लेकिन आई एम इस नॉट डिनाइंग, आई एम क्वाइट एन अंडरस्टैंडिंग पर्सन, आई नो दैट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, इज फुलिशनेस, फुलिशनेस एंड स्टूपिडनेस. लेकिन वो अब किसी ने ये कहा, आपने ब्यूटी एस्पेक्ट की बात की ना, ये मुझे ब्यूटी इसमें बड़ी नजर आ रही है. किसी ने ये कहा कि असल में वो बेचारे ये भक्त जो थे, इन्होंने मास्क पहना हुआ था लेकिन कहीं गलत जगह पे I know पहना that is a joke that is going around. Even I've seen it. That's a very funny one. But so you know, और मोस्ट सीरियस जो बात है, अब ये देखें कि ये अभी इनका यूपी के बीजेपी एमएलए, इन्होंने कहा है कि फेथ जो है इट इज अबव कोविड प्रोटोकॉल. तो ये वो डॉगमा है ना, जब आप हम जब आपको ये कहते हैं कि मुसलमानों ने, इस्लाम ने मुसलमानों के दिमाग खराब कर दिए हैं कि वो हर चीज, अब जब पाकिस्तान आपने देखा जल रहा, क्यों जल रहा, एक बात पे जल रहा कि तुम फ्रांस के एम्बेसडर को यहां से बाहर निकाल के फेंको. पाकिस्तान की हुकूमत को पता है, उनकी गवर्नमेंट सरकार को पता है कि भाई ऐसे दुनिया में नहीं होता, ये दुनिया ऐसे नहीं चलती. लेकिन इस्लाम में इन्होंने और इनका पाकिस्तान का इस्लाम ये है कि सबसे ऊपर मोहम्मद, फिर पाकिस्तान. सही मुशर्रफ ने बात नारा है, लगाया था पाकिस्तान फर्स्ट, तो वो लोगों ने समझा कि ये कह रहा है कि पहले पाकिस्तान फिर इस्लाम, तो लोग उसके पीछे पड़ गए थे. तो ये पाकिस्तान की इन्होंने अपब्रिंगिंग ऐसे की है, तो इसका मतलब ये कि रिलीजियस डॉगमा जो है सबसे ऊपर है. तो जब आपके नेता भी इसी तरह बिहेव करेंगे जैसे कि मुसलमान डॉगमेटिक बिहेव करते हैं, देन तो इट्स द हम ये सेम, या कहते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस. डिफरेंस, या डिफरेंस ये नहीं है कि कौन किसके ज्यादा गले काटता है. दैट्स, ये तो एक इवेंचुअल चीज डिफरेंस. है ना. इन द I only seen 1940s, वेरी क्विकली understanding, प्रवीण, वेरी क्विकली प्रवीण, लेट मी फिनिश माय पॉइंट वेरी क्विकली. कि 1940s में ये क्रिस्टोफर हिचेंस ने कहा था, अगर वो 1940s में होता, 30s में होता एक्टिविस्ट, तो उसने सबसे ज्यादा क्रिश्चियनिटी के खिलाफ बोलना था, बिकॉज एट दैट टाइम क्रिश्चियनिटी की जो अलाइनमेंट थी हिटलर के साथ, दैट कॉज कितनी उससे सफरिंग दुनिया में पैदा की. सो एट दैट टाइम क्रिश्चियनिटी वॉज द बिगेस्ट biggest, प्रॉब्लम एट दैट पॉइंट. problem. तो यू नो, सो अब अगर ये भक्त हमें ये कहते हैं कि भाई हम सरतन से जुदा तो नहीं करते, आवर आर्ग्यूमेंट इज कि आप अगर 10 साल बाद करने लग जाएंगे यही काम, बिकॉज यू गोइंग दैट वे, यू आर बिकमिंग जस्ट एज डॉगमेटिक एज द मोमिनींस, सो व्हाई कांट पीपल सी दैट. Yeah, but I only say this that you have to have an understanding. Today, if you're showing me this thing about the COVID and all that, I mean, I know it is stupidness. This is foolishness. This is like you are killing people. I mean, there I don't believe. See, the thing is that under हम सब दिमाग दिया हुआ है, हम सब को दिमाग दिया है. Now, if now how you use it and for what you use it, that is. I own this. Today, अगर मैं बोलूं कि नहीं, मैं तो अभी बाहर निकल जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है. And the thing is that if they believe that their faith is so powerful that they can, you know, कुछ भी उनको वो नहीं कर सकता है, harm नहीं होगा, तो let them believe. I mean, I sitting over here as a individual person, I'm thinking this is madness. This is like crazy. जो बोलते हैं ना श्रद्धा, this is not what it is. This is not what I believe in. Like today, if I say why I am saying enough is enough, that everybody has to be prepared. I know this much, that I got married to a Hindu. I was like I me being a very very rebellious and ferocious person, in a way that I will do what I want to. I could do it. There are many, so many girls in Muslims, in Hindus. They are getting killed. They are getting raped. They are getting in the name of religion. Everything is happening. So I am one individual who had that kind of strength and who is not scared of anything. Or main to karodon logon ke samne bhi yahi bolungi that I have lived my life the way I want to, and I want every girl to live the way they want to. And secondly, first see yourself and then the religion. That's what I feel. For me, first it's me, what I feel, what I gives get me that, geez. peace. बट आई गेट आई गेट दैट आई गेट दैट एंड वी नीड टू रैप इट अप. लेकिन मैं इसके ऊपर क्लोजिंग रिमार्क्स में ये है कि आपने जो कहा कि यू नो लेट पीपल बिलीव, दिस इज व्हाट आई पर्सनली बिलीव, इट डजंट मेक. मेरा प्रॉब्लम ये है, और इसी वे हिंदुइज्म
कुछ लोग बेशक कहते हैं कि ये रिलीजन नहीं है, वे ऑफ लाइफ है, जो आपने भी सुना होगा एज अ मुस्लिम के ये भी वे ऑफ लाइफ है, पीपल से दैट ऑल द टाइम, बट भक्त डोंट रियलाइज. बट एनी वे, ये समझते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी थी वो बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग थी. मुसलमान पिछले 1400 साल से कहते आ रहे हैं इट्स अ वे ऑफ लाइफ, सो यू नो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. बट लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये कि जब आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं किसी भी कल्चर से, किसी भी ट्रेडिशन से, किसी भी रिलीजन से, चाहे उसका आप उसको ब्लाइंडली बिलीव इतना ना भी करते हो, मैं पाकिस्तान को समझता हूँ. पाकिस्तान में क्यों बार बार फेलियर हो रहा है? इमरान खान जैसे लोग कहते हैं दिस इज रिलीजन ऑफ पीस, इसमें कोई है ही नहीं. सुन इसको, इसको सुन लें कि उसके बाद वो कहता है कि वो ये कहता है कि ये इस रिलीजन ऑफ पीस, हमारे आका ने मदीना की रियासत ये थी वो थी वगैरह थी, लेकिन रियलिटी में ये हो ही नहीं सकता. जब आप रिलीजन को इन्वॉल्व कर देते हैं, उसको एक स्टेट के लेवल पे, नेशन के लेवल पे ले आते हैं, उसको प्राइवेट कैपेसिटी से निकाल के आप उसको पब्लिक डोमेन में ले आते हैं, देन द एंड रिजल्ट इज ऑलवेज डिजास्ट्रस. ये लोग मुझे कहते हैं वो ये गोरों का पिट्ठू है. मैं वेस्ट को इसीलिए अच्छा समझता हूँ क्योंकि उनकी उनके सेक्युलरिज्म ने उनकी ये मल्टीकल्चरलिज्म, बताएं किस दुनिया में ऐसा है? क्या रशिया में है मल्टीकल्चरलिज्म? क्या ये ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में है? जो हमारे जो इंडियन पाकिस्तानी जो अमेरिका में जाके बड़े सक्सेसफुल हो जाते हैं, इंग्लैंड में जाके बड़े सक्सेसफुल हो जाते हैं, उसका रिजल्ट ये है बिकॉज दे अलाउड मल्टीकल्चरलिज्म. एंड आई नो इंडियन हिंदू हिस्ट्री जो है दैट अलाउज इट इटसेल्फ, बट जो आजकल के भक्त हैं जो कहते हैं इनको मुसलमानों से भी प्रॉब्लम है, इनको जो क्रिश्चियन नंस से भी प्रॉब्लम है, वो भी मैंने स्टोरी शेयर की थी किस तरह उन्होंने नंस को पकड़ के पुलिस के पास ले गए थे. ये भक्तिज्म जो है ये इसको रिलीजन को हिंदुइज्म को रखना है अपने प्राइवेट कैपेसिटी में, मंदिर बनाएं, घर में बनाएं, उसकी पूजा पाठ करें, जो करना करें, लेकिन आपके जो नेता हैं बीजेपी के वो इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ही इज नॉट वन ऑफ देम. ये मैंने आज इसको पहली दफा देखा है, इस तरह के और बहुत सारे हैं जो इस तरह के बयान दे चुके हैं. यू हैव अ लास्ट वर्ड, वी गॉट टू मूव ऑन. एंड आई वुड ओनली वांट टू से दैट यू आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, व्हेन यू स्पोक अबाउट पाकिस्तान टुडे, यस्टरडे आई थिंक यू ओनली मस्ट हैव पुट दिस वेयर ही सेड दैट यू नो दिल्ली इज द रेप कैपिटल एंड दिस दैट. आई हैव सीन इन पाकिस्तान स्मॉल बॉयज गेटिंग रेप्ड, आई मीन आई हैव सीन डॉक्यूमेंट्रीज. He has no right to point a finger at us because he was the, and today he's saying ki itni ladkiyan aise kapde pehnti hai. I mean you also must have seen that stupid guy that maine uske upar video banayi hai, maine uske upar video banayi hai. Sir, tum kehte ho ki ladkiyan aise kapde, to tum to sabse bade playboy the. He's talking about the divorces hamare itne wo ho jayenge agar hum aise, to tumne kitne kiye hain? तुमने कौन से कम किए हैं डिवोर्सेस? तुमने क्या कम किया है? और अभी इतने बूढ़े होके भी, सो यू हैव नो राइट टू पॉइंट फिंगर एट अस इन इंडिया. वी विल लुक आफ्टर आवर कंट्री, यू लुक आफ्टर योर कंट्री फर्स्ट. यू डोंट बॉदर अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन दिल्ली. He has no right to say this and he has no right to subject a woman to what she's wearing and what she's doing. I mean, don't you agree that he is like, I don't know, I feel he is I made a video on this. मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, मैंने इसको शेयर भी किया था और ये सबटाइटल्स मैंने बनाए थे इसके ऊपर. मेरे यूट्यूब पे भी व्यूज काफी टेंस ऑफ थाउजेंड्स में हो गए इंग्लिश और उर्दू में. सो आई टॉक्ड अबाउट दिस कि ये उन्होंने भोंगी मारी है इमरान खान ने. ये तो ऐसे लगता है कि बूढ़ा होने से पहले हर इंसान वो 900 चूहे खा के बिल्ली हज को जाता है. जी वही हाल है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चले. तो खान साहब को आप इसमें फिक्र ना करें, हमारे बहुत सारे लोगों ने खान साहब का बहुत शुगर लगाया इस पे. मेरी मैंने एक वो पैरेडी कॉल करनी है, हमारा एक लड़का आता है बड़ा टैलेंटेड इमरान खान की कॉपी करता है, तो उसके साथ भी अभी हमने पैरेडी कॉल करनी है. आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बड़ा हंस हंस के पागल हो जाएंगे. ओके, बट एनीवे थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग. आप थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर हैविंग मी, थैंक्स अ लॉट. ओके ऑलराइट, सो ये थी दोस्तों परवीन जी, इन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई. आई होप यू लाइक्ड इट. और चूंकि वो इंडिया में, यू नो, आपने उनके व्यूज देखे. मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं.